स्टार्ट के समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत से साधक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं हो पाती और वहीं से उनका चक्र जागृत नहीं हो पाते। तो ध्यान से सुन कि आप लोग जब ध्यान करेंगे तो आपको ऐसा बोला जाता है कि आप लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को या फिर अपने शरीर को सीधा रखें। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि अगर आपका शरीर या आपका सर हल्का सा भी जाने अनजाने में आपके लेफ्ट तरफ झुक जाता है तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और ऐसे ही ध्यान करते करते अगर आपका सर या फिर आपका शरीर हल्का सा भी राइट की तरफ झुक जाता है तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है। आपको ईड़ा और पिंगला दोनों को जागृत करना है दोस्तों। अगर आप वो दोनों को जागृत करना है तो आपको बिल्कुल ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना होगा।